हाय फ्रेंड्स, तो देखिए आजकल काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं कि हम इस मौसम में टमाटर उगा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, टमाटर यही मौसम में उगा सकते हैं, ठीक है। आप अगर सोचें कि गर्मी में उगाकर हम टमाटर की फसल ले लेंगे तो वो संभव नहीं होगा, ठीक है। आपको बीज तो अभी लगाना पड़ेगा और अभी उगाना पड़ेगा कि आपका फरवरी तक ग्रोथ हो जाए, मतलब फरवरी तक वो फल पकड़ ले और मार्च में आपका पक जाए, ठीक है। तो अभी देखिए, हमने जो पीछे बीज लगा के दिखाया था आप लोगों को, पीछे वीडियो देख लीजिएगा, हमने एक छोटा सा जुगाड़ो ग्रीन हाउस टाइप का कुछ जुगाड़ करके हमने बीज डाले थे। और उस बीज को देखिए आप, हमने इसमें 17 बीज ब्रोकली के डाले थे और 8 बीज टमाटर के डाले थे। इसका पूरा वीडियो है और उसको हमने उसी के अंदर, देखिए यही वो पेटी है जिसके ऊपर हमने रखा था कि सेंटर में थोड़ा ज़्यादा गर्माहट मिलेगी। तो देखिए 17 ब्रोकली में से हमारे 15 उगी थी, जिसमें से एक तो ये मेरा मोबाइल ही इसके ऊपर गिर गया था तो एक टूट गया था, बाकी ये 14 हमारी ब्रोकली साबुत है। देखिए 5, 4, 9, 3, 12 और 2, 14 और 8 टमाटर का डाले थे, 8ों के 8ों उगे हुए हैं, यानी कि 100% जर्मिनेशन, ठीक है। तो आप किस तरीके से पॉली हाउस बना सकते हैं इसका हम एक वीडियो डालेंगे आपको, 2-3 दिन में एक वीडियो आएगा आप लोगों को कि एक अच्छा सा पॉली हाउस आप अपने जर्मिनेशन के लिए किस तरीके से बना सकते हैं। क्योंकि देखिए यही सीज़न है कि इस टाइम आप तरबूज, भिंडी, टमाटर और बैंगन भी जिसको लगाना है वो भी इस टाइम लगा लेगा तो वो अप्रैल तक ही उसमें फलन होगा, ठीक है। अप्रैल के बाद इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि आपका कोई भी फसल करना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हमने देखिए वो जुगाड़ू ग्रीन हाउस जो बनाया था उसमें हल्की सी धूप आती थी लेकिन फिर भी हमारी जर्मिनेशन देखिए कितनी बढ़िया हुई है, ठीक है। आमतौर पर इतनी अच्छी जर्मिनेशन होती नहीं है लेकिन देखिए हमारी जर्मिनेशन बढ़िया हुई है। और एक बार जर्मिनेशन हो जाए उसके बाद आप धूप में रख दीजिए और सर्दी में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और बाकी शायद हमने कुछ और भी उगाया है इधर, तो आपको वो भी दिखाते हैं। इधर एक साग का हमने एक वीडियो आपको दिया था, चल रहा है ना, तो एक साग हमने उगाया था इधर छाया में, देख रहे हैं कि इधर सोलर प्लेटें हमारी लगी हुई है और एक यही जगह हमें मिल रही थी। तो देखिए इसमें पालक और मेथी हमने उगाया था, तो मेथी का शायद सीड सही नहीं था तो वो जर्मिनेशन सही नहीं हुआ हमारा। पालक तो हमारी बढ़िया जर्मिनेशन हुई है लेकिन मेथी को हमें दोबारा बोना पड़ा। हमने देखा यार नहीं उगेगा तो इसका हमें दोबारा बो दीजिए। अब दोबारा की जर्मिनेशन देखिए कितनी बढ़िया हुई है, हर आधे इंच पर एक है आपका, देखिए चारों तरफ से आप देखिए इसका कि कितना बढ़िया हुआ है, ये कितनी बढ़िया जर्मिनेशन हुई है ये बढ़िया सीड होने की वजह से। और ये 4 दिनों में हुई है, ये भी आपको बता दें कि ये 4 दिनों की जर्मिनेशन है ये, ठीक है। और मेथी को तो आपको किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, कोई भिगाने वगैरह की आवश्यकता नहीं, जैसा बीज आए वैसा आप डाल दीजिए और बढ़िया जर्मिनेशन होगी आपकी, ठीक है। बाकी इसके बारे में हम अपडेट आगे देंगे आपको। तो इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि हमने बैंगन के कुछ पौधे इधर लगाए भी हैं, हमारे पास जगह की असल में बड़ी दिक्कत है तो थोड़ा जुगाड़ करके ही लगाना पड़ता है हमें। तो ये देखिए ये बैंगन, हमने जो 3 बैंगन के पौधे लगाए हैं इसमें एक ही बर्तन में लगा दिए हैं, कोई बात नहीं, एक बैंगन हमारा इधर को फैल जाएगा नींबू की साइड में, एक उधर को फैल जाएगा कि इधर को फैल जाएगा, ठीक है। उनको इस तरीके से ट्रेल किया जाएगा कि ये अलग अलग अपना स्पेस, ज़्यादा स्पेस के लिए लड़ाई ना करें आपस में। और देखिए लोग बाग क्या करते हैं कि इसके टिप को तोड़ते हैं, 3G कटिंग करते हैं, 2G कटिंग करते हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी वैसे ही देखिए कि ये शुरू से ही पूरी जड़ से ही ब्रांचेज, हर जगह ब्रांचेज देखिए इसके, किसी भी बैंगन के पौधे पर ये ब्रांचेज देखिए कितनी बढ़िया निकल रही है और पौधा कितना स्वस्थ है। तो इस तरीके से आप अगर करते हैं तो किसी तरह के 2G 3G वगैरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे यहाँ कोई खास धूप भी नहीं मिलती है, किसी भी पौधे को मेरे ख्याल से 4 घंटे से ऊपर की धूप तो मिलती ही नहीं है, ठीक है। और फिर भी हमारे यहाँ फलन तो आपने देखा ही है, बैंगन कितना फलते हैं हमेशा, मतलब आप किसी भी बैंगन के पौधे से 4-6 बैंगन तो हमेशा तोड़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे, तो ठीक है दोस्त।